लेकिन एमएस धोनी के फैंस खुश भी हैं और थोड़े से उदास भी हैं। ये मालूम है सात आप धोनी, दस में से कितनी दफा आप इस वाले भी धोनी को भेजे, कोई भी बॉलर हो, दस में से कितनी दफा सात रन चाहिए और धोनी छोड़ दे। खुश इसलिए है कि ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मैच उसने रूह फूंक दी और जीतने के बिल्कुल करीब आके फिनिश नहीं कर पाए। जडेजा धोनी हमने देखा कई बार ओवर द ईयर्स क्या करते हैं वो, और आज फिर वही स्टेज थी। हैट्स ऑफ टू धोनी, इस एज में, मतलब 42 यंग तो नहीं है, लेकिन उस एज में आके इतने प्रेशर वाले मैच में इतनी शानदार बैटिंग, ऑलमोस्ट मैच निकल गया दो ओवरों में 40 और उसको मजीद नैरो डाउन करते जाओ 8/32, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन वहां पे जिस तरह और बमिकी टैक्स भी कह रहे थी रिजवान भाई, बैट्समैन जिता देता है तो एक ओवर में 20 करके ट्विटर पे धूम मच जाती है, लेकिन अभी कोई ट्वीट नहीं करेगा संदीप के हवाले से, ये इनजस्टिस है बॉलर्स के साथ। लेकिन भाई हमने तो अभी 2 मिनट अभी तारीफ किया कि कमाल का बॉल, 2 मिनट पहले ही हमने उसकी बात की है कि अंडर प्रेशर हमने देखा उस दिन बॉलर ने 5 छक्के भी खाए हुए। चलो रिंकू तो वी आर नॉट अंडर एस्टिमेटिंग रिंकू, उसने कर दिखाया 5 छक्के, लेकिन आज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। मजीद नैरो डाउन करते जाओ 8/32, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन वहां पे जिस तरह चौके और छक्के मारे, अनबिलीवेबल। लेकिन सवाल वही खड़ा हुआ है जो हम पिछली वीडियो में भी बात करते थे, जब धोनी 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं तो इतना जान जोखिम में डालने की जरूरत क्या है, क्यों इतना लेट आ रहे हैं? राइडू अब ज्यादा तेज खेलेगा धोनी से, मतलब इंपैक्ट प्लेयर को लेके आए हैं, ठीक है रखो उसको, जरूरत पड़ी तो बाद में भेज देना, लेकिन क्या वो ज्यादा बेहतर मैच फिनिश कर सकेगा धोनी की निस्बत? कितने लोग इस पे वोटिंग करेंगे? धोनी जो गेम फिनिश कर सकता है क्या राइडू करेगा? तो उस स्टेज पे भी आ जाते, पूरी टीम में कोई करेगा तो पूरी टीम सीएसके में, तो नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आने के लिए